हम वास्तु पाली हिल में खड़े हैं, जो बंगलो है रणबीर कपूर का, और आलिया मैडम और रणबीर कपूर सर अंदर ही हैं। तो अभी हमने गार्ड से पूछा था कि हम उनसे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं आप मिल पाएंगे, लेकिन उनका जब शूटिंग का टाइम होगा 11:30-12 बजे के बीच में, तब वो बाहर निकलते आप उनसे मिल सकते हैं। सो गाइज, वो लास्ट वाली बिल्डिंग में रहते हैं रणबीर सर। सो गाइज, आज उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, अगर मिल पाते तो बड़ी बात है और खुशी की बात होगी। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो अपनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मैडम के घर के सामने खड़े हैं, बंगलो नंबर 5, और एग्जैक्टली रणवीर कपूर सर है वास्तु, जो उनका बंगलो है उनके एग्जैक्टली सामने वाला घर है बंगलो नंबर 5। तो अभी हमने मैडम के यहाँ से बात की, तो मैडम कुछ 10 मिनट में बाहर आने वाली, तो शायद हम आज कंगना रनौत मैडम से मिल सकते हैं और उनसे 2 मिनट के लिए बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, बने रहिए हमारे साथ। जो रोमांस के बादशाह है शाहरुख खान के घर के सामने खड़े, इसका नाम है मन्नत। तो इसके जो दो दो एंट्रेंस है, एक मेन एंट्रेंस है और पीछे भी एक एंट्रेंस है। तो अभी यहाँ पे शाहरुख सर नहीं है, वो बाहर अपनी शूटिंग के लिए गए, तो देखिए उनका घर। शाहरुख भाई का घर देखने के लिए भाई साहब, कम से कम नहीं बोला जाए तो कहाँ से आए, यूपी बस्ती से आए हैं, मतलब 3000 किलोमीटर दूर से भाई सिर्फ शाहरुख खान सर से मिलने के लिए आए हैं। तो सर जी, आप मिल पाए उनसे? देखना है सिर्फ ख्वाहिश है, ख्वाहिश है इनकी कि उनको शाहरुख सर से मिलना भी है, देखना भी है। यार सर जी, देखा जाए तो आपकी ख्वाहिश भी जल्दी पूरी हो जाए। अभी सर जी यहाँ पे नहीं है, शूटिंग के लिए गए बाहर। जब भी फैन है आपके शाहरुख खान के, तो थैंक यू सो मच, आप मुंबई में आ चुके हैं और मुंबई में आपका स्वागत है। ओके, हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं उनके घर के यहाँ पे, उनके घर का नाम है सी स्प्रिंग, और सेम बंगलो का नाम जो है वो अपने फरंग सर के, वो भी सी स्प्रिंग है। तो गाइस, आगे का नज़ारा भी देखिए, जैसे कि बैंक स्टैंड का पूरा सी वे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे पूरे सिक्योरिटी के साथ एकदम से देना। एंटर हो चुके हैं सोसाइटी में, तो भाई ने रात भर शूटिंग की है, शूटिंग के बाद पूरे थक के आ चुके हैं और यहाँ पे आके अभी रेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आते हैं बाहर मिलने के लिए। सो गाइज, अभी हम उनका वेट करें। तो अभी हम खड़े हैं टेरी क्रॉस, जो अपने इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सर, उनके घर के सामने खड़े हैं अभी हम। तो उनका घर का जो व्यू,
उन्होंने अपने इंडिया के लिए इतने सारे रन, इतने सारे रिकॉर्ड बनाए, ना कोई अभी तक उन्हें तोड़ पाया है, ना कोई बना सकता है। तो ये अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सर और उनका था। अभी हम आ चुके हैं अजय दुबे सर के घर की तरफ, जो उनका बंगलो है S10। तो थी अजय सर से और काजल मैम से मिलूँ, तो वो तो फिलहाल नहीं हो चुकी है। तो सो गाइस, आज हम अजय दुबे सर के फैन से मिलने आए हैं। देखिए उनकी फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है। तो मैं पूछना चाहूँगा भाई लोग, आप कहाँ से आए हो? बूथ से आए, मतलब लगभग कितना किलोमीटर रहेगा? 1000 किलोमीटर आप अजय देवगन सर से मिलने आए। तो अजय सर, अजय सर, अजय सर, अजय सर। यानी कि बाबा अपने फिल्म सिटी के बाबा उनके घर के सामने, इंपीरियल हाइट्स के सामने। तो ये पूरा जो बिल्डिंग है उनका ही है। और अभी जस्ट 2 मिनट की मिसिंग पे सर चले गए शूटिंग पे, तो उनसे हम मिल नहीं पाए। आज जो मौका था उनसे मिलने का, लेकिन आज हमसे वो मौका मिस हो चुका। कार है रॉयल्स रॉयस, जो उनकी शानदार कार वहाँ पर खड़ी है। तो बिल्डिंग चाहिए खड़े हैं प्राइम बीच, जो हाउस है अक्षय कुमार सर और ऋतिक रोशन सर यहाँ पे रहते हैं। तो फिलहाल अक्षय कुमार सर तो शूटिंग के बाहर बिजी हैं और ऋतिक रोशन सर गए जिम के लिए, तो उनका वेट कर रहे हैं। अगर जिम से आते हैं जल्दी तो मिल पाएंगे उनसे।